गाइस हम लोग अब गेट ऑफ इंडिया आ चुके हैं और ये अब हम टैक्सी से उतर रहे हैं। अब हम गेट ऑफ इंडिया टैक्सी से उतर रहे हैं। आओ भी जल्दी। तो अभी हो रही है दोपहर, तो आज हम आपको दिखाएंगे गेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ का इंडिया गेट है, तो आपको हम दिखाते हैं आज यहाँ का इंडिया गेट, गेट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों मैं आपको गेट ऑफ इंडिया दिखाता हूँ। आज मैं यहाँ पे टैक्सी से उतर रहा हूँ और अब निकलता हूँ मैं। यहाँ पे काफी पब्लिक है, काफी भीड़ भाड़ है इधर, और हमारी फौज पलटन सारी पब्लिक हमारी आ चुकी है पानी अपने पापा की गोद में। चलो दोस्तों मैं पहुंचता हूँ गेट ऑफ इंडिया और फिर मैं आपको दिखाता हूँ गेट ऑफ इंडिया के नज़ारे। हाय बॉम्बे, हेलो बॉम्बे। और गाइज अब हम गेट ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं और ये देखो दिव्यांश भाई ने क्या क्या लिया है। ये देखो पानी की बोतल ली है इसने अपनी, और ये क्या है भाई, ये फुल जड़ी और पता नहीं क्या क्या ले रखा है इसने। हाँ इसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब लिखा हुआ है। पाइपें फुल बड़ी, ये फुल बड़ी है। पानी की बोतल भी अपनी ले ली भाई इसने, ठीक है। और अब ये गेट ऑफ इंडिया घूमने आया। अब चल भाई गेट ऑफ इंडिया के पास चलो भाई। ये सामने गेट ऑफ इंडिया का ये सामने, ये देखो। और ये ताज होटल है, ये सामने ताज होटल है। और ये साहिब अपनी बीवी को पकड़ के, ये पता नहीं भाई देखो ये वीडियो फोटो बनवा रहे हैं भाई, ये फोटो खिंचवा रहे हैं। ये सब लोग अपने अपने फोटो में मस्त हैं, कोई भी ब्लॉग नहीं बना रहा है, सिर्फ मैं ही अकेला ब्लॉग बना रहा हूँ। और ये दिव्यांश भाई अपने खाने में मस्त है, पता नहीं क्या क्या लेके आ गया, और ये खाता घूम रहा है इधर। गाइस ये सारा गेट ऑफ इंडिया है, ये ताज होटल है पूरा। गेट ऑफ इंडिया है पूरा। दिव्यांश भाई आज आगे फिर मैं आपको और पास में चल के दिखाता हूँ। ये सब लोग यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, सब अपने एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। और दिव्यांश भाई ये खाता हुआ आ रहा है, आधा पौने घंटा लगे। अरे भाई आके टकरा गया ये। ये दिव्यांश भाई भाई खाने में मस्त है बस, इसको और कुछ घूमना फिरना नहीं है। बैग में भी लात मार रहा है वो, बस अपने खाने में मस्त है दिव्यांश भाई। देख लो भाई क्या बोल रहा है, क्या दोबारा बोल। खाना पीने के अलावा कुछ नहीं दिखता भाई, देखो इसकी आवाज भी नहीं निकल रही है, इतना इसने मुंह में ठूस रखा है, पता नहीं क्या क्या खा रहा है। ये देखो अब भाई फिर इसका एक ना पेट खराब भी हो जाता है, भयंकर वाला पेट खराब होता है फिर इसका। लीवर कमजोर है। इसका लीवर कमजोर है। ये पूरा ताज होटल है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ आपको पूरा। सभी लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये गेट ऑफ इंडिया के पीछे सारे में सिप खड़ी हुई है।
गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, सारे मस्जिद खड़ी हुई हैं। यहाँ से एलिफेंटा वगैरह घूमने जाते हैं। कुछ लोग वैसे भी वोटिंग करते हैं इसमें। हमने तो कल वोटिंग की थी जू पे, और यहाँ पे भी देखते हैं अभी वोटिंग करते हैं नहीं करते, क्या होता है। सब लोग यहाँ पे वीडियो बनाने में मस्त हैं। दिव्यांश भाई कहाँ गया? दिव्यांश भाई अभी तो इधर ही घूम रहा था। दोस्तों ये शायद रिपेयरिंग हो रही है इसके, ये पीछे गेट ऑफ इंडिया की। ये मैंने अभी गेट ऑफ इंडिया का पूरा आपको व्यू दिखाया मैंने, ये पूरा गेट ऑफ इंडिया है। सभी लोग यहाँ पे व्यस्त हैं, सब लोग एंजॉय करने आए हुए हैं। भीड़ भाड़ तो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, आज संडे का दिन है। और मैं अभी देखता हूँ दिव्यांश भाई था, अभी पता नहीं किधर निकल गया हो, भागा फिर रहा है सारे में। अभी नहीं हुई, रुक जा, अभी रुक जा। ये बिजी लोग हैं, जब से गेट ऑफ इंडिया घूमने आए, जब से फोन में लगे पड़े हैं। दोस्तों ये पूरा ताज होटल है ये, यहाँ पे भाई पिजन भी काफी ज्यादा है, ये सारे में पिजन इधर ताज होटल के सामने। भाई लोगों को खाना नहीं मिलता है, यहाँ कबूतर खाना खा रहे हैं। अरे ये वानिया पता नहीं क्या क्या उठा उठा के रख रही है, ये अच्छी वानिया पता नहीं क्या उठा उठा के रख रही है। अरे दिव्यांश भाई तो बस बोर्ड में, मैंने इसको कल बोटिंग करवाई थी इसको मैंने कल जू पे, अब यहाँ पे भी आके कह रहा है बोटिंग करवाओ, ये गलत बात है भाई। भाई प्लीज गाइस सही बोलता, मुझे करा देगा बोटिंग प्लीज। कल कराई थी ना? नहीं मुझे आज से करनी है, मैं करती है आज से करनी है। अब मैं इसको बोटिंग करवाने लेके जाऊंगा, छोड़ दे बोटिंग अच्छी लगती है। ये बंदे ने देखो कैसे कपड़े पहन रखे भाई, एकदम लाल इतनी गर्मी में, ये खान साहब एकदम लाल हो रखे हैं, पूरे पजामा कुर्ता लाल पहन के। के भाई कुल्फी वाला कुल्फी देख रहा है, 20 रुपए की कुल्फी है। दो बिल्डिंग तैयार किया ना, दो बिल्डिंग तैयार है ना पानी वाले की। हाँ दो बिल्डिंग तैयार हो गई होंगी, क्योंकि 50 पैसे का 1.5 रुपए का नींबू निचोड़ रहा है, 20 साल से कर रहा है। हाँ 20 रुपए का पानी दे रहा है, खाली पानी पानी का इतना पैसा ले रहा है। मावा भाई गेट ऑफ इंडिया पे आइसक्रीम बेच रहे हैं, नींबू पानी वाला है ये। मावा
गाइस, हम अब लोग गेट ऑफ इंडिया से निकल चुके हैं और आगे देखते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं जिस भी मार्केट में जाएंगे मैं आपको वहाँ का ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। और अब गेट ऑफ इंडिया पूरा घूम लिए और अब गेट ऑफ इंडिया से हम निकल चुके हैं, 4 बजने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़, काफ़ी ज़्यादा रश था गेट ऑफ इंडिया पे। और ये बॉम्बे का सेंट्रल रेलवे है। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे है और हमारे ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये यहाँ पे क्लॉक भी है और ये पापा आ गए, दिव्यांश भाग गया तो पापा बताएंगे। पापा चलते हैं नरीमन पॉइंट, अभी नरीमन पॉइंट पे जाते हैं और यहाँ पे एक फैशन मार्केट है, फैशन मार्केट में जाते हैं और मैंने आपको गेट ऑफ इंडिया की सारी वीडियो बना ली है और इधर ये बीटी है, चर्च गेट है, सारा है और मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो वीटी के लिए, अच्छा एक बात तो बताओ, वीटी से हम कहाँ जा सकते हैं? वीटी के मतलब अगर वीटी से हम नरीमन पॉइंट जाएंगे अभी और फैशन मार्केट जाएंगे, अभी फैशन मार्केट जाएंगे, फैशन मार्केट में जाकर अभी कुछ खरीदेंगे हम, तो वहाँ से क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते हैं देखते हैं, उसके बाद हम फिर शाम को नरीमन पॉइंट पहुँचेंगे। नरीमन पॉइंट से फिर हम अपने रूम में चलेंगे। अच्छा, आपको ये गेट ऑफ इंडिया दिखा दिया पूरा और ये सेंट्रल रेलवे दिखा दिया है। अब मैं आगे आपको और जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक